पड़ा और इसी के चलते लोगों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इन कॉलोनियों में पिछले करीब 10 दिनों से सीवरेज का पानी भरा हुआ है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी रामेश्वर सोनी और चेतन सोनी ने बताया कि यहां पर लोग पिछले 11 दिनों से गंदगी की मार झेल रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी घुसने लगा है। एक एक करके 30 जगहों से सीवरेज डैमेज है, वहीं चारों तरफ गंदा पानी भरा होने और स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। साथ ही लोगों का कहना है कि स्थानीय पार्षद और मेयर को कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम प्रदर्शन किया। उधर लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस प्रशासन और निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।